बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुश रखें। डियर व्यूअर्स, मैं आपके लिए आज लेटेस्ट न्यू कलेक्शंस की एक लेटेस्ट जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे मैं आपके लिए ब्यूटीफुल स्विंग्स डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही एलिगेंट्स न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। इस तरह की वीडियोस बहुत ही कम आपको देखने में मिलेंगी। मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्विंग्स को किस तरीके से और ख़ूबसूरती के साथ घर में आप डिकोर कर सकते हैं। मेरी आगे चल के वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आगे आपको बहुत सारे आइडियाज़, डिज़ाइन और स्टाइल मिलेंगे जो कि वेडिंग से भी रिलेटेड है और घर से भी रिलेटेड है। आपको इसमें हर तरह की वैरायटी और कलेक्शन मिलेगी। मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि इन स्विंग्स के डिफरेंट स्टाइल और डिज़ाइन से आप अपने घर को किस तरह खूबसूरती के साथ डिकोर कर सकती हैं। आपको पता है कि बच्चे भी जो हैं वो भी इस तरह के बहुत ही लाइक करते हैं, तो बिज़ी लाइफ है तो सब अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, तो इससे आप अपने घर को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिकोर कर सकती हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रही हैं, आप इन स्विंग्स को आप लॉन में फ्लावर्स की अरेंजमेंट के साथ और अपने घर के ट्रीज़ के साथ इसको डिकोर कर सकती हैं, और उसके अलावा आप अपने टेरेस को भी बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको डिकोर कर सकती हैं। आप टेरेस में लाइट्स लगा के छोटे से स्पेस को एक बहुत ही खूबसूरत के अंदाज के साथ आप इन स्विंग के साथ आप उनको डिकोर कर सकती हैं। आप अपने रूफ़ में, छत पे आप इन स्विंग्स को लाइट्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के फ्लावरिंग के साथ और कुशंस के साथ आप इसको डिकोर कर सकती हैं और अपने टेरेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक यूनिक और डिफरेंट लुक दे सकती हैं। इसी तरह आप अपने रूम में, जैसे कि आप वीडियो में मेरी देख रहे हैं कि आप रूम के कॉर्नर्स को बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको डिकोर कर सकते हैं। घर के टेरेस में आप इसको बेल्स के साथ और फ्लावरिंग के साथ आप खूबसूरत अंदाज से रूम में और टेरेस को खूबसूरत तरीके से थोड़ी सी स्पेस में खूबसूरत लुक दे सकती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा जो ये स्विंग्स हैं, ये वेडिंग्स में भी बहुत यूज़ होती हैं। वेडिंग्स में इन स्विंग्स को खूबसूरती के साथ डिकोर करके, जैसे कि उपटन, माइयों में और मेहंदी में इनको यूज़ किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। मेरी इस कलेक्शन में आप देखेंगे वेडिंग से भी रिलेटेड आप इस स्विंग्स को, इन झूलों को किस तरह खूबसूरती के साथ, फ्रेश फ्लावर फ्लावरिंग के साथ आप इसको डिकोर कर सकते हैं। आप अपने घर में फंक्शंस अगर रखती हैं उपटन्स का, माइयों का, तो अपने लॉन में इन स्विंग्स को खूबसूरती के साथ फ्लावर की डिकोरिंग के साथ आप इनको एक बहुत ही अच्छी लुक दे के अपने फंक्शन को बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट बना सकती हैं। मेरी इस वीडियो में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे के माइयों, मेहंदी से रिलेटेड भी आपको इन स्विंग्स को बहुत खूबसूरती के साथ आप डिकोर करके आप अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से अरेंज कर सकती हैं। और उसके अलावा सेकंड डे, जैसे कि आप बारात वाले दिन जो है उसमें भी ब्राइडल्स को बड़ी खूबसूरत रेड फ्लावरिंग के साथ डिकोर करके, तो आप सेकेंड डे वाले दिन, बारात वाले दिन भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और स्पेशल ये उपटन, माइयों, मेहंदी और वलीमे वाले दिन ये स्पेशली बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप जो है आउटडोर फंक्शन करती हैं तो आउटडोर फंक्शन में भी इनका बहुत ट्रेंड है और आप इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इंडोर फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। डे फंक्शन में इस तरह के अरेंजमेंट फ्रेश फ्लावरिंग के साथ और हर कलर के फ्लावरिंग की ही कलेक्शन और स्कीम के साथ आप इसको खूबसूरत अपने फंक्शन को बना सकती हैं। थैंक यू। लाफ